सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसका पार्ट वन हमने पहले देख लिया था, जिसमें हमने पार्ट वन में एक्सरसाइज के में हमने देखा था सब्जेक्ट वर्क कौन कौन जो यूनिट फर्स्ट थी। आज हम यूनिट थर्ड के प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपके क्लियर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत पहले प्रोवाइड कराया था, एटलीस्ट 2 मंथ तो हो गई उसे मैंने अपलोड किए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट ब्लैंक रेन इन द इवनिंग। देखिए कि कह रहा है कि खाली इट ब्लैंक यानी खालिस्तान रेन इन द इवनिंग, यानी कि शाम को बारिश हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड, पॉसिबिलिटीज की बात की गई है इस सेंटेंस में। तो पॉसिबिलिटीज के जो मॉडल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, मे का। संभावनाएं बताने के लिए मे का यूज किया जाता है। तो इट मे रेन इन द इवनिंग, ऑल राइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, हाउ ब्लैंक यू से सो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। तो देखिए यहाँ पर डेयर और करेजनेस दिखाई गई है सेंटेंस में, कि जहाँ कहीं भी सेंटेंस में डेयर और करेजनेस दिखाई जाती है वो वहाँ पर डेयर का यूज़ किया जाता है। देखिए कैन इसमें नहीं आ सकता, हाउ कैन यू से दिस, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, लेकिन हाउ डेयर यू टू से दिस, अगर डेयर वाली जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही फर्स्ट एक अच्छा सा ट्रिकी मैं बता देती हूँ। वो जो सेंटेंस होते हैं वो हाउ से स्टार्ट होंगे प्लस उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और उसमें आपको डेयर फिल करना होगा। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक आज का की नोट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में मैं आपको एक की नोट बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक डेट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर की, देखिए अभी ये कौन सा सेंटेंस है, इमेजनरी सेंटेंस है कि काश मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता। तो देखिए ये कल्पना की जा रही है, इट इज़ अ इमेजनरी सेंटेंस, और इमेजनरी सेंटेंस का मैंने अभी वुड एंड शुड का यूज़ बताया था रिसेंटली कुछ दिनों पहले, जिसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप से इमेजनरी सेंटेंस वाले सेंटेंस आते हैं तो आपको वहाँ पर वुड को प्रीफर करना है। तो इसमें वुड आएगा अनडाउटेडली, अभी आपने हाल ही में पढ़ा है ये। नेक्स्ट देखिए, आई गिव यू अ पेन इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं तुम्हें पेन दूंगा यदि तुम मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। तो देखिए इसमें भी इमेजरी से ये सॉरी ये और इट इज़ ऑल्सो एन कंडीशनल सेंटेंस, ये भी कंडीशनल सेंटेंस का ही टाइप है। तो कंडीशनल सेंटेंस का दो टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं सॉरी। फर्स्ट ओपन कंडीशन, इमेजनरी कंडीशन एंड इम्पॉसिबल कंडीशन। द फर्स्ट ये लास्ट वन इज दैट इट इज़ अ इमेजनरी कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज़ अ ओपन कंडीशन, ये एक ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। तो देखिए फ्रेंड कि जब कभी भी ओपन कंडीशन का सेंटेंस आता है, मैंने आपको लिंकिंग डिवाइस में ये चीज़ क्लियर की थी और साथ ही मैंने सब्जेक्ट कोंकण में भी बताया था कि जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो कंडीशनल वर्ब को ध्यान में रखते हुए आपको वर्ब फिल करनी होती है। देखिए कंडीशनल ओपन कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, प्रेजेंट सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर भी जो मॉडल आएगा वो प्रेजेंट का ही आएगा। यहाँ पर जो वर्ब दी हुई थी वो पास्ट की थी, इसलिए हमने जो मॉडल भरा वो पास्ट का ही भरा। कुड इसमें इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इफ को रिप्लेस वुड किया जाता है, वुड डेट वाला वो कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है इस वजह से। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस नंबर 2 है इसमें ओपन कंडीशन है और ओपन कंडीशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट का मॉडल ही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी प्रेजेंट का ही वर्ब आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, आई विल गिव यू अ पेन इफ यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए इस जो सेंटेंस है इसमें क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि हाँ आप सभी जानते होंगे कि आई के साथ शेल का यूज किया जाता है, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज है उसमें ऑपोजिट होता है, ये एक फ्यूचर का रेफरेंस है, जबकि ये क्या है, एक मॉडल वर्ब हमें यहाँ बनकर फिल करनी है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही डाई फॉर दिस ऑफेंस, कि वह मर जाएगा फॉर दिस ऑफेंस, इस ऑफेंस के कारण। तो देखिए तो ये भी सेम पैटर्न है। देखिए फ्रेंड, हमने ऊपर देखा था कि आई के साथ हमने शेल का यूज किया था, लेकिन सॉरी आई के साथ हमने विल का यूज किया था क्योंकि मॉडल में जो फ्यूचर है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, इसमें आपके फ्यूचर टेंस के बिल्कुल अपोजिट आता है, यानी कि आई और शेल, आई और उसके साथ हमने किसका यूज किया था फ्रेंड, शेल का।
अब यहाँ पर दिया हुआ है शी, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और हमें विल और शैल में से इसको में से फिल करना है। तो देखिए हम क्या फिल करेंगे, क्योंकि ही आई के साथ हमने विल यूज़ किया था फ्यूचर के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज में, फ्यूचर में आई के साथ शैल यूज़ होता है और आई का विल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमें मॉडल वर्ब फिल करनी है ही के साथ, कौन सी फिल करेंगे, शैल। ऑल राइट, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि आई के साथ जो मॉडल, आई और वी के साथ अगर मॉडल वर्ब बननी है तो हम हमेशा विल का ही यूज़ करेंगे, अगर ही एंड ही शी इट और थर्ड पर्सन प्रोनाउन फिल करना है वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज बननी है तो हम वहाँ पर शैल का यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको क्लियरली बताया था जब मैंने आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराए थे। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पर आते हैं, शी मूव द फर्नीचर हर सेल्फ एज देयर इज नो वन टू हेल्प हर, कि वो खुद ही जो फर्नीचर है उसको हटा लेगी, मूव कर लेगी अगर वहाँ पर कोई भी नहीं होगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो देखिए फ्यूचर की बात की गई है कि फ्यूचर में अगर कोई नहीं हुआ तो फिर वो खुद ही अपना फर्नीचर मूव कर लेगी अगर किसी की भी उसे हेल्प नहीं हुई तो। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा विल हैव टू, वो खुद ही शी विल हैव टू मूव द फर्नीचर हर सेल्फ एज देयर इज नो वन टू हेल्प हर। ओके, तो इसमें अनडाउटेडली विल हैव टू आएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, ही ब्लैंक बी ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग, कि ही हैव टू, वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग, कि हमें हैव टू यानी हैज टू जो होते हैं वो हमेशा एक बाध्यता को बताते हैं कि हाँ तुम्हें ये चाहिए ही सही, तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए, यानी कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, हमें हमारी जो डीली है हमारा जो सौदा है उसमें हमें सच्चा रहना चाहिए। तो वी हैव टू बी इन आवर डीलिंग, और वी इसलिए वी है इसलिए हमें हैव टू का यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंगुलर होता तो यहाँ पर हैज टू का यूज़ हम कर सकते थे। ओके नेक्स्ट देखिए, यू सोल्ड मैनी, सॉरी, यू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो देखिए एक डाउट था, स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैं को मुझे याद आ गया, आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम हमें ये तो पता चल जाता है कि प्रेजेंट का फिल करना है या पास्ट की वर्ब फिल करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें इज भरना है या वॉज भरना है। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे ध्यान आ गया ये चीज़ आपको किस तरह से ध्यान रखनी है, इसका कोई ऐसा जोड़ नहीं, आपको एक्सप्रेशन देखना पड़ता है कि सेंटेंस का जो रेफरेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर आप प्रेजेंट का रेफरेंस देखते हैं सेंटेंस के अंतर्गत तो आपको प्रेजेंट वर्ब फिल करनी है, और पास्ट का देखते हैं तो आपको पास्ट वर्ब फिल करनी होगी। तो आपको ये तो सेंटेंस को ही ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, किस काल को वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई तो आपको सेल्फ भी करना होगा फ्रेंड। आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। तो विल हैव टू का यूज़ होगा इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूचर रेफरेंस की बात की गई कि तुम्हें अपने जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स सोल्व करनी होगी। नेक्स्ट है, द बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ही सी द डॉक्टर एट वंस, कि जो बॉय है वो बहुत इंजर्ड हो गया है एक्सीडेंट में, कि हैड टू सी द डॉक्टर एट वंस। देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस है अभी वो आपका जो कन्फ्यूजन वाली बात थी कि इज भरना है या वॉज भरना है, तो फ्रेंड देखिए प्रेजेंट का रेफरेंस होगा तो हम प्रेजेंट भरेंगे, अभी यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट का है तो हमें वर्ब भी किसकी फिल करनी है, यहाँ पर पास्ट की ही भरनी होगी। नेक्स्ट है, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपको पता ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होने वाले, जो विश देने के लिए बताने के लिए जो मै का यूज होता है, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ही ब्लैंक प्ले इन द रेन इन हिज चाइल्डहुड, तो देखिए वो जो बचपन में वो पानी के अंदर खेल सकता था, बारिश में वो खेल सकता था, यहाँ पर डिसेबिलिटीज की बात कही गई है ना, जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसको नेगेशन शो किया गया है। तो देखिए सॉरी,
यहाँ पर उसकी जो बात की गई है कि ही प्ले, वो खेलता था इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, तो वो उसके चाइल्डहुड में जो बारिश में खेलता था, यानी कि अब वो नहीं खेल रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर जो बात करेंगे इसके क्वेश्चन के अंदर वुडवुड का आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको यूज टू जो आपका सेल रेफरेंस है उसका ध्यान रखना है कि यूज टू कहाँ लिखना है और कुड कहाँ आएगा। कि अब इसमें यूज टू नहीं दिया हुआ है हमें, हालांकि हम वुड प्रिफर कर सकते थे, लेकिन इस सेंटेंस में हम कुड को यूज़ करेंगे। ये क्यों करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है और मुझे भी आज थोड़ा जल्दी है। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ही प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, जो वो बचपन में खेलता था, तो चाइल्डहुड में खेलता था, अभी थोड़ा सा जवान हो गया इसलिए वो रेन में नहीं खेल रहा है। हालांकि हम यहाँ पे वुड को प्रीफर कर रहे हैं कि यूज टू का रेफरेंस आ रहा है कि वो फ्यूचर में पास्ट में ऐसा बचपन में ऐसा बारिश में खेला करता था। बट यहाँ पर जो सेंटेंस का रेफरेंस है वो हमें कुड पे ही प्रिफर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एबिलिटीज के बारे में बात की गई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वजह से हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है। आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए हैं। अच्छी एक्सरसाइज आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स की ही मैं कराऊंगी फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट टॉपिक्स की मैं नहीं कराऊंगी, मैंने पहले ही आपको बताया था। सो गुड लक एंड गुड बाय, कीप स्टेडी, थैंक यू।